मामा गुटू आप बैठ जाइए प्लीज। अब्दुल हादी आप भी बैठ जाओ। मैंने बहुत सोचने के बाद आपको कॉल करके बुलवाया है। ये पढ़ाई को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते और कोई भी इनका काम कंप्लीट नहीं हुआ होता और छुट्टियाँ इतनी होती हैं कि हर टेस्ट नॉन सीरियस लगता है। आई एम रियली वरीड अबाउट योर स्टडीज, लेकिन रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। बस थोड़ा सा टाइम दे दें मुझे और इसे सेटल होने में, फिर इंशाल्लाह इम्प्रूव करेगा स्टडीज में भी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी। इंशाल्लाह मैं भी यही उम्मीद करती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं इन सब चीज़ों को लेकर इनकी पर्सनालिटी डैमेज ना हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसा नहीं होगा। आप प्लीज एक फेवर दे दें मुझे, आप इसको थोड़ी एक्स्ट्रा अटेंशन दे दें। मैं भी बात करूंगी इससे, फिर पहले जैसा ना हुआ तो कम से कम बेहतर तो हो ही जाएगा। इंशाल्लाह आप लोग आपस में बात कीजिए। अब्दुल हादी आपके पास 10 मिनट है, ब्रेक के बाद आपको क्लास में जाना है। थैंक यू मैम, मैं आपसे इन कॉन्टैक्ट रहूँगी, आइंदा इंशाल्लाह आपको कंप्लेन का मौका नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह। और अब्दुल हादी आपने अपनी मामा की बातों को बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है? मामा अगर सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता तो मैं भी पहले जैसा नहीं हो सकता। गुटू